हम तो नहीं देखते, हमारा तो खून है लाल, जिसका पीला हो रहा है वो अपने घर बैठ के देखे। थोड़ा निर्दोष आदमी को मारने वाला तो कायर ही होता, मैं तो बहादुर कहूंगा नहीं। अब PhD से आकर क्या करेगा आदमी, नहीं तो बताओ। मतलब मुख्यमंत्री को डूब के नहीं मरना चाहिए शर्म से, फिर ये क्राइम करेंगे, फिर ये जेल में चले जाओगे, क्या फिर सुसाइड कर लेंगे, बताओ। हमारी जमीन पे कब्जा कर लिया गया था 16 एकड़ रोहतक में, उसको जमीन को छुड़ाने के लिए सारी चीजें हुई हैं। अभी जो भी चीजें आगे होंगी आप लोगों को पता चल जाएगा। समाज को जगाना, 37 बरादरी को जगाना, एक साथ भाईचारा बनाना, क्योंकि अकेले ब्राह्मणों की बात नहीं है। जब मैं खिलाड़ियों का कोटा गया था तो छोटा उठाया था, तो खिलाड़ी सारी बिरादरियों के हैं। जब बात बेरोजगारी की आती है उसका मुद्दा उठाते हैं तो वो भी सारी बिरादरियों की है, आप लोगों को पता है। तो हमारा मुद्दा उठाना हमारा काम है, ताकि ये काम जनमानस के मुद्दे उठे। मैं कोई आपके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा कि आप कोई राजनीति कर रहे हो, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम मीडिया के लिए भी दिक्कत आती है कि नवीन जैन कैथल आए, लेकिन वो किस बैनर के मुद्दा 37 सर 37 बेरोजगारी वाली लड़ाई लड़ रहे हो, मुद्दा महत्वपूर्ण है, नवीन जैन कोई महत्वपूर्ण नहीं। कश्मीरी पंडितों की बात होगी, आपको क्या लगा कि किस तरह से वहाँ उनके साथ अत्याचार, क्योंकि जो केंद्र सरकार है उसने दावा किया कि धारा 370 खत्म होगी, कश्मीरी पंडितों को वहाँ आवास दिए जा रहे हैं, उनको बसाया जा रहा है, आपको कैसे महसूस हुआ कि वहाँ दिक्कत है अभी? मैं खुद गया हूँ, मैं जब वही मैं आपको बताया कि मैंने जहाँ वहाँ जाके बात की है, वहाँ टारगेट किलिंग हुई है, टारगेट किया जा रहा है कि इनको यहाँ से बखाना है। करीब 5,000 ही हिंदू कश्मीरी घाटी में बचे हुए हैं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, और वो टेंटों में है, अपने घरों में नहीं है, टेंटों में है। और वहां से मुझे लगता है कि 1 महीने में पूरा पलायन हो जाएगा, जिस तरह की वहां की स्थिति है, वहां की बहुत खतरनाक और भयावह स्थिति है। इसलिए मैं कह रहा हूँ स्थिति जानने के लिए वहां जाना पड़ेगा। वहां कोई आदमी जब जाता है, अब वैसे मौज मस्ती घूमने के लिए जाएगा तो उसको पता चलेगा नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ वहां जाके फौज से बात करेगा, कोई MLA जाए, MP जाए, मंत्री जाए, मुख्यमंत्री जाए, क्या प्रॉब्लम है भाई साहब? गर्मियों में मई जून के महीने में सारे जाएंगे अब घूमने। मैं इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ लाल चौक तक चले जाओ बस। धारा 370 खत्म होने के बाद केंद्र सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, उन दावों को नहीं, धारा 370 खत्म करना अच्छी बात है, इसमें नो डाउट, लेकिन ग्राउंड रियलिटी है कि वहां की स्थिति पहले से भी खराब हो चुकी है, मैं ये आपको बता रहा हूँ। उसके लिए जब तक आप सामने AK-47 लेके खड़ा है कोई आदमी, तो नियत आदमी को आप एक बात तो नियत और निर्दोष आदमी को मारने वाला तो कायर ही होता, मैं तो बहादुर कहूंगा नहीं। जो 26 जून को आप जंतर मंतर पे धरना करने या जो मीटिंग करने जा रहे हैं, उसमें आपका एजेंडा क्या रहेगा, क्या मांगे रहेंगी, और क्या मतलब आगे आपकी रणनीति क्या? हमारी यही मांग है कि भाई AK-47 दिया जाए वहां कश्मीरी हिंदुओं को, ऐसे मरना ठीक नहीं है, हम नहीं देख सकते, हम तो घर में बैठ के ये चीज देख नहीं सकते कि हमारे ही देश में हमारे ही लोगों को गोलियां मारी जा रही हैं, वो कोई पर्सनल रंजिश थोड़ी है। अरे दूसरे देश से आगे 47 लेके आते हैं, मार के चले जाते हैं, और हम बैठे देख रहे, हम तो नहीं देखते, हमारा तो खून है बस लाल, जिसका पीला हो रहा है वो अपने घर बैठ के देखता है। इसके अलावा आप जनता की ओर किस तरह से लड़ाई आगे लड़ने की योजना? और तो है ही सर, हमारी लड़ाई है सरकार और सिस्टम से लड़ना जरूरी है, और हर समाज को मैं तो ये कहूंगा कि मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा। आज के दिन आप देख रहे हैं आपकी समस्याएं, आपके हरियाणा कोई एक बिरादरी की बात नहीं है, बेरोजगारी की समस्या, 25 लाख नौजवान हरियाणा के बेरोजगार हैं। आज भी अभी एक लड़के ने, अभी मेरे पास आई थी खबर कि करनाल में PhD की एक लड़के ने, और उसने सुसाइड कर ली, इतना डिप्रेशन में चला गया कि नौकरी नहीं है। अब PhD से आकर क्या करेगा आदमी, नहीं तो बताओ। अब मैं जाऊंगा उसके घर पर, करनाल की घटना है, तो मतलब मुख्यमंत्री को डूब के नहीं मरना चाहिए शर्म से। 5 लाख वैकेंसी खाली पड़ी है, ये जो बेरोजगार है, जो लड़के हैं, ये कहां जाएंगे बताओ ना? रोजगार नहीं मिलेगा, डिप्रेशन में जाओगे, फिर ये नशा करेंगे, फिर ये क्राइम करेंगे, फिर ये जेल में चले जाओगे, क्या फिर सुसाइड कर लेंगे, बताओ। हर चीज के ऊंचे दाम है, ना हाथों में काम है, सरकार के नाकारापन, भेदभाव और भ्रष्टाचार के खिलाफ मैंने चाहे विधानसभा हो, मीडिया हो या और कोई मंच, हर जगह जनता के हित की बात उठाई है। और अगर आप चाहते हैं मैं आपके हक की, महंगाई व भ्रष्टाचार और राजघरानों द्वारा की जा रही लूट के खिलाफ आपकी लड़ाई बड़े स्तर पर लड़ूं,
तो अपनी सहमति व सहयोग के लिए 7834-800-800 पर मिस्ड कॉल करें और जनसेवक मंच से जुड़ें। जनसेवक मंच से जुड़िए। ये मंच ही नहीं, हथियार है व्यवस्था परिवर्तन का।